और करनाल में लघु सचिवालय के सामने कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल कर्मचारियों का कहना है कि हरियाणा सरकार ने 2006 में कर्मचारियों को पेंशन देना बंद कर दिया, जबकि नेताओं को पेंशन आज भी दी जा रही है। इसीलिए कर्मचारियों की मांग है कि सरकार एक देश एक नीति अपनाए और उनकी पेंशन को बहाल किया जाए। यहां आपको बता दें कि इस सांकेतिक भूख हड़ताल में 20 से ज्यादा कर्मचारी शामिल रहे। हमारी एक ही मांग है, बहुत पुरानी मांग है, हमारी पुरानी पेंशन चाहिए हमें। सरकार ने 2004 के सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 2006 के बाद लगे हुए सभी सरकारी विभागों के सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम में डाल दिया, जो ही घोर कर्मचारी विरोधी है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि भी सरकार, अगर नेता पुरानी पेंशन में है तो हम क्यों नहीं। नई पेंशन स्कीम में सारा पैसा जो हमारा कटता है सरकार देती है, बेनिफिशियल सरकार बता रही है, बेनिफिशियल है, हम मानते हैं बेनिफिशियल है, लेकिन जब तक है जब सरकार वो पैसा अपने पास रखे, लेकिन सरकार उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा रही है। हम आपके माध्यम से सरकार को ये बात बताना चाहते हैं कि इसमें सरकार का भी और कर्मचारी का भी बहुत ज्यादा नुकसान है, हमारा बुढ़ापा असुरक्षित है।